भाई साहब क्या सब चल रहा है? ठीक ठाक है? ठीक है भाई। चल रहा था कुछ? ठीक ठाक चल रहा है। काम धंधा कैसा है? काम धंधा तो इनसे पूछो, मैं तो ग्राहक हूँ। आप क्या करते हो? मैं तो काम करता हूँ। युवा हो आप? अच्छा, पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? नौकरियाँ तो एक अलग चीज़ है, पर उनको और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मतलब बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया है गवर्नमेंट ने? हाँ बिल्कुल किया है। क्या कुछ किया है बताएंगे? अगर कोई काम करना चाहता है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उसको अवेल करने वाले एक मैं भी हूँ। अगर ये बताएं, महंगाई एक और बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस टारगेट कर रही है इस चीज़ के ऊपर, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? अब देखिए, ओपोजिशन पार्टीज़ वाले हमेशा ये कहते रहते हैं कि आपको इस चीज़ का रेट बढ़ के मिलना चाहिए फॉर फार्मर्स। अगर आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आप गेहूं की एग्जांपल ले लो, तो जब उनको फार्मर्स को दे दिया जाता है बढ़ के, तो ओबियसली वो जो आटे का रेट है वो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो एक तरफ कहते हो कि आप उनको पैसे नहीं देते हो, एक तरफ कहते हो महंगाई बढ़ रही है, जो वाइस वर्सा है, चलता रहेगा। वापसी कर पाएगी बीजेपी? हाँ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। केजरीवाल साहब जी एक अलग फैक्टर हैं, कुछ कर पाएंगे यहाँ पर? इस बार तो नहीं। इस बार तो नहीं। आपको क्या लगता है, वापसी कर पाएगी बीजेपी यहाँ पर? हैं जी, वापसी कर पाएगी बीजेपी यहाँ पर? आहो देखो, कर पाएगी? महंगाई बहुत हो गई है, लगता नहीं आपको? महंगाई तो है, ये हर एक सौदे महंगे है, दुकानदार क्या करे, वही कमाना वही खाना, हर एक चीजें महंगी है। टैक्स लगे, टैक्स बढ़ गए, टैक्स जो है सब कुछ हो गए, दुकानदार नो क्या बचाए, नो कमाना, जे चीज का पांदी आंदी थी डबल हो गए। वे कांग्रेस अच्छी नहीं है? वो तो ठीक थी, कांग्रेस भी अच्छी थी पहले, पहले अच्छी थी। हाँ अभी बीजेपी है। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। भाई साहब नमस्कार, तिलक लगाए हुए हो आप? मोदी जी कह रहे हैं हिमाचल से, हिमाचल के साथ हैं और हिमाचल के साथ खड़े हैं, लगता है आपको? हाँ हिमाचल के साथ ही मोदी जी खड़े हैं जी। 5 सालों महसूस हुआ है ऐसा? हाँ हाँ, इतने प्रोजेक्ट मोदी जी ने दे दिए, रेल दे दी उन्ना के लिए, पीजीआई मिनी पीजीआई दे दिया और बिलासपुर में एम्स जैसे दे दिया, हमने कभी कल्पना नहीं की थी इस चीज़ की। कांग्रेस तो कह रही है ये तो हमारी, हमने स्टार्ट किया था, वो पूरा कर रहे हैं अभी। कांग्रेस सपना ले रही है इस चीज़ का, वो सोई हुई है, अभी जागेगी, उसको पता लगेगा हिमाचल में कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस मुक्त है? हाँ हिमाचल में कांग्रेस मुक्त होगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम आएंगे तो सफाया करेंगे, तो केजरीवाल कहाँ देखेगा, वो पंजाब में देख लो कितना बुरा हाल किया है लोगों का उन्होंने केजरीवाल में, तो हिमाचल में कहाँ आएगी? केजरीवाल की सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही हिमाचल में, दिख नहीं रही, नहीं दिखेगी। वापसी कर रही है? वापसी मिशन रिपीट होगा जी, मिशन रिपीट। धन्यवाद आपका। राम राम जी, राम राम जी। आप तो इंडिविजुअल हो ना, वोट तो डालोगे ना? बाहर से आए हुए सर। कहाँ से हो आप? अंबाला से हो? झूठ बोल रहे हो आप? अच्छा सच्चाई सही बोल रहे हैं? अच्छा सर ठीक, अच्छा बताइए क्या सब हो रहा है? ठीक है, कारोबार के पीछे जब से मोदी जी आए हैं ठोसी है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो ये कुछ कर दिया, वो कर दिया कारोबारियों के लिए। कुछ नहीं किया जी, उल्टा ही बोल रहे हैं। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या किया बताओ, व्यापारी व्यापार के लिए क्या किया है? आप बीजेपी कह रहे हैं हमने ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिया, आप व्यापारियों को दिक्कत नहीं आ रही माल, ट्रांसपोर्ट से व्यापार अच्छा हो गया जी। वो तो यही कह रहे हैं ना, आप बाजार में देख रहे हो कोई रौनक आपको बाजार में दिख रही है? दिवाली के दिन है, कोई रौनक बाजार में है बताओ, आप देख रहे हो? एक होप क्या, कौन सी पार्टी होप है? होप का कुछ नहीं, ये तो रिजल्ट भी रह गया क्या, नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का। केजरीवाल साहब कुछ कहा है यहाँ पर? नहीं वो खास नहीं, खास नहीं। कांग्रेस का लग रहा है आपको फिर? वैसे मोदी अच्छे इंसान है, वो उन्हीं से काम कर रहे हैं, अच्छे हैं तो सभी अच्छे होते अच्छे हैं, सभी हैं, कोई बात नहीं इसमें। अच्छा क्या लगता है, रिपीट कर पाएगी बीजेपी? हो सकती है जी, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, वो भी सकती है, काम भी अच्छे नहीं हुए, गड़बड़ है फिर। नहीं आपने व्यापार का पूछा, व्यापार का जो हाल है वो बताया मैंने, वैसे थोड़ा कुछ भी वैसे को कहना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? व्यू क्या दें हम, राजनीति में तो हम है नहीं है, राजनीति में नहीं, राजनीति में नहीं है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। नमस्कार जी, राम राम जी। सतपाल सिंह सत्ती जी। हाँ आप ही हैं जब कोई और हैं? नहीं नहीं, हमारे नेता हैं, लीडर हैं। हाँ लीडर हैं जी। क्या कहना चाहते हैं इस बार 5 साल की जो सरकार बीती है, अच्छी बीती, बुरी बीती, कैसी बीती? सर बहुत अच्छी बीती है जी, अच्छी बीती है। 2000 करोड़ के विकास के कार्य उन्ना विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं जी, सतपाल सत्ती जी ने करवाए हैं, हारने के बावजूद भी जी। कर्जा बढ़ रहा है वो? सर कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा तो हर किस प्रदेश में नहीं है, लोगों का विकास तो कर रहे हैं ना जी, अपने घर के लिए तो पैसा लेके नहीं गया। यहाँ पे सेक्टेड बनी है 32 करोड़ रुपए की,
तो वो पब्लिकली के लिए बनाई गई है ना। नालों की समस्या थी हमारे ऊना शहर में, 22 करोड़ 48 लाख रुपए लग के उन नालों में अब लोगों के घरों में घुसना पानी बंद हो गया है जी। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी अब महंगाई और बेरोजगारी पर बात ही नहीं करते। सर ऐसा ना जी, कांग्रेस वाले बौखला गए हैं। इतना आप इतना टूट प्यार भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए, एक दिन में इतनी सफल आयोजन मोदी जी का भी हुआ यहाँ पर, अब कांग्रेस वाले बौखला गए, उनका मुद्दा ही नहीं है कोई। ये बताएं अगर वीरभद्र सिंह होते तो कुछ दिशा कुछ नहीं होती यहाँ पर? कहना सर कांग्रेस का नेतृत्व दिशा उनका नेतृत्व कोई नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। अखबार यहाँ पर उनका लीडर होता वीरभद्र जी, एक सम्माननीय 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपना एक रुतबा था, उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा कांग्रेस को पक्का, 100% पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बीजेपी आपसी कर रही है? सर बिल्कुल 100% मिशन रिपीट है, मिशन रिपीट है। हाँ जी। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा कुछ नहीं होगा? सर कहाँ बेरोजगारी बताइए ना। चलो ऐसा ना, ये तो सोचते हर बंदे को अब हर घर को सरकारी नौकरी तो लगा नहीं सकते हैं, लगा सकता है कोई बताओ? कोई जॉब मिटा जाए, प्राइवेट जॉब नहीं होगी। अब जो मोदी जी आए थे वल्लभ डॉग पार्क का वो शिलान्यास करके गए हैं जी, वो किसके लिए? वहाँ से एम्प्लॉयमेंट लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50,000 लड़कों को, हिमाचल के युवाओं को वहाँ रोजगार लगेगा। 20,000 डायरेक्ट लगेगा, जिसकी गाड़ी लगी है, जिसकी शॉप खुलेगी, जिसके कम मकान किराए पे जाएंगे, वो इनडायरेक्ट सब होगा ना जी। काफी कर रही है नहीं? 100% सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल समाचार है? बढ़िया। क्या लग रहा है? इलेक्शन था, कुछ नहीं लग रहा यार, कुछ नहीं लग रहा है। नहीं कुछ अच्छे काम कर पाई बीजेपी यहाँ पर? रोड राड़ी बनाई तो ऐसे लेना यार, सड़का ऐसी लेना, वो भी तो आम आदमी के लिए बनाया। साइकिल वाले बंदे ने कितने जाना यार, साइकिल वाला बंदा कितने जाऊगा, सड़का दे अंब लेने सब काम ना, मतलब रोजगार को फैक्ट्री फूटी बंदा बंदा लग गया, नौजवान लोग वेले है। बीजेपी तो यही कह रही कि हम जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर पाई। कौन कहता जी, पिंडा जाकर पूछो, थोड़े पेंशन मिलेगी 2,000 रुपया तो बंदे 3 महीने बाद वापसी कर। चोरी जा रही दाही का हो रही है, गरीब बंदा वो लै नहीं रहा, सड़कों दे अंब लेने जा, तू साइकिल वाले बंदे कहने तेल बंदा खर्चा, एक बंदे कितना खर्चा है, बनना ही बहुत अभी नहीं यार। थैंक यू। तो वापसी कर पाएगी बीजेपी की? नहीं वो तो लग रही है, लग रहा है अभी लग रहा है, कमाल है। राम राम जी, नमस्कार जी, क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है कि हमने तो बल्ले बल्ले करा दी है, लगता है आपको? होगी जी, होगी होगी जी होगी। कांग्रेस कह रही कुछ काम नहीं हुआ, महंगाई इतनी बढ़ गई, कमर टूट गई आम आदमी की। भाजी काम तो देखो जनता को पता ही है, काम हुआ या नहीं हुआ, सरकार देखो अपने आप अपने काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। 24 में क्या कहते हैं जी, 24 में क्या होगा? 24 में देखो क्या होता है, मोदी आएगा जी, मोदी आएंगे, जाने नहीं देना आपने। ये बताएं जयराम ठाकुर के नाम पर वोट डल रहे हैं या फिर मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर। तो ठाकुर जी ने कुछ काम किया नहीं फिर, क्या मतलब? ठाकुर जी साथी हैं जी, साथी हैं, तो ठाकुर जी को भी कुछ करना चाहिए ना। ठाकुर जी सब कुछ कर रहे हैं जी, मिल रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं केजरीवाल साहब का कुछ बनेगा यहाँ पर? क्या कह सकते जी ना, कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद आपका।